मोबाइल नंबर और एड्रेस हमेशा याद रखें कि ये पटना के एड्रेस पर है। मोबाइल नंबर 9162448800 है और दूसरा मोबाइल नंबर 7541095452 है। तो जब भी आप आना चाहेंगे या फिर अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारे सेंटर पर आके एडमिशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोरल ड्रॉ में ये स्पाइरल सर्कल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्पाइरल सर्कल होता क्या है कि एक ऐसा सर्कल होता है जो कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। यानी स्पाइरल टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी मदद से एक बढ़िया सा डिजाइन कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। मैंने ये स्पाइरल टूल्स क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ ये क्या है। ये आपको नंबर ऑफ सर्कल बताता है कि एक बार में आप कितना सर्कल आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो 20 सर्कल का एक स्पाइरल बने तो 20 सर्कल का बनेगा, अगर आप चाहते हैं 6 सर्कल का स्पाइरल बने तो 6 सर्कल का बनेगा, ठीक है। फिलहाल हम 20 ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने पेज पर। ये मेरा पेज है, फिलहाल मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। कंट्रोल बटन प्रेस कीजिएगा ताकि सर्कल परफेक्ट बने, ठीक है। ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया। अब इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ, पहले सेप टूल की मदद से, ये है मेरा सेप टूल, इसकी मदद से इस पूरे सर्कल को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ये आपका ब्रेक है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रेक। ब्रेक कर पर क्लिक किया, जैसे मैं ब्रेक कर पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये ज्वाइन पॉइंट्स है, ये के सारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये इसको अब आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप किसी एक पॉइंट को ही रखना चाहते हो, एक भाग को ही रखना चाहते हो, एक दो तीन चार चार भाग है ना, इसमें से आप सिर्फ एक ही भाग रखना चाहते हो तो आप इजीली अब डिलीट कर सकते हो। कैसे करते हैं, ये यहाँ से सेलेक्ट से हम यहाँ से इस पर क्लिक किए, ये हमारे डिलीट, ठीक है। अब मुझे एक ही हिस्सा चाहिए तो जाहिर सी बात है हमको बाकी हिस्सा हमको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट किए, यहाँ करते डिलीट, ठीक है। अब मुझे ये इस हिस्से से डिजाइन बनाना है, तो सबसे पहले ये जो आपको नोट्स दिख रहा है, ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये सारे, इन सभी नोट्स को मैं पहले जोड़ता हूँ, ठीक है। जोड़ने का तरीका, इन दोनों को पहले सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखिए ज्वाइन का ऑप्शन दे देगा। उसी प्रकार फिर सबको ज्वाइन, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सबको भी हम करेंगे। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, डबल क्लिक करके आप हटा सकते हो, ये भी हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा है। सेलेक्ट किया, ज्वाइन किया, सेलेक्ट किया, एक मिनट सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट किया, ज्वाइन किया। जिस पॉइंट को आप जोड़ना है उस दोनों पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं, यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ये सारे पॉइंट्स अब जुट चुके हैं। अगर मैं इसमें कलर भरना चाहूँगा, देखिए इजीली इसमें कलर फिल हो रहा है क्योंकि सारे पॉइंट्स जुट चुके, इसलिए। अब आप क्या करना चाहते हैं, अगर इससे कोई बेहतर डिजाइन बनाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए,
उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है आपके पास, ये सारे अगर ये क्या कर कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो आप देखिए ये सीधे सीधे एक लाइनिंग बन जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको वापस कर्व करना चाहते हैं तो यानी कंट्रोल जेड मैं पहले कर लेता हूँ। अब इसी चीज को अगर आप ये डिजाइन देना चाहते हैं, जैसे कि ये मेक नोट सिमेट्रिकल, मतलब मेक नोट सिमेट्रिकल पर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये देखिए एक परफेक्ट 3D कोन बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप एक बेहतर 3D डिजाइन बना सकते हैं किसके थ्रू, स्पाइरल टूल्स के थ्रू। ठीक है, ये देखिए आपने एक बेहतर 3D डिजाइन रेडी कर लिया स्पाइरल टूल्स की मदद से। ये देखिए कौन है, आप इसको कलर दे सकते हैं, जो कलर चाहें दे सकते हैं।